एहसासों को बयां नहीं कर सकते, बस दो आंसू आपके काफ़ी होते हैं। एहसासों और अल्फाजों में ये दूरी हमेशा ही बनी रहेगी। और हम लोग कहते हैं कि वेयर वर्ड्स पे म्यूजिक स्पीक्स। मधुरानी भले ही आपसे बात ना कर पाए, लेकिन उनके संगीत, उनके गाने आपसे बातचीत कर ही रहे हैं। बस कुछ ही देर में मधुरानी जी तैयार हो जाइए, इस भावुकता में खो मत जाइए। दोस्तों, सारे वादकों का परिचय तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन दो और वादक रह चुके हैं, अक्षय कावड़े डोंगरी का, जो भी संगीत प्रेमी हैं उनके लिए सुपरिचित तो वो हैं ही, कीबोर्ड के मास्टर है। उंगलियाँ उनकी मानो जादू करती हैं कीबोर्ड पे। भगवान ने हम सबको 10 उंगलियाँ दी हैं, लेकिन उनकी उंगलियाँ लगता है कुछ अलग ही जादू लेकर पैदा हुई हैं। और काफ़ी सारे लाइव शोज डोंगरी में, जितने भी बड़े बड़े शोज होते हैं या बाहर भी मेगा इवेंट्स, सबसे बड़ी बात हमारे लिए एक सम्मान की, गर्व की बात यह है कि हाल ही में जो आईफा मराठी अवार्ड का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है, टीवी पे टेलीकास्ट होना बाकी है, लास्ट मिनट पे इन्हें स्पेन में आने का बुलावा आया और तुरंत तैयार हुए और आईफा मराठी अवार्ड्स में ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इस जैसी महान हस्ती के साथ मैं आज एक स्टेज शेयर कर रही हूँ। गयाना कनाडा साउथ अफ्रीका में, ये दो साउथ अमेरिका में सॉरी, 2 साल तक ये फैकल्टी टीचर रह चुके, लाइव परफॉर्मेंस कर चुके हैं और काफ़ी सारे जो लाइव शोज जैसे टैलेंट हंट यहाँ पे होते हैं इंडिया में, वो उन सारों के लिए बजा रहे थे, 2 साल तक वहीं रहे थे। उनके साथ हमारे सर, आदरणीय सर रोहन मुकल सर, आपने उनको देखा ड्रम्स पे भी हैं, ऑक्टोपैड बजा रहे हैं, ऑक्टोपैड दोनों एक साथ हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से। हेरा म्यूजिक के फैकल्टी टीचर हैं अक्षय के साथ, वो भी 2 साल कनाडा में थे, काफ़ी धूम मचाई वहाँ पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया और अपने भारत का नाम रोशन किया, हेरम स्कूल म्यूजिक का नाम रोशन किया और भारतीय संगीत को आगे लेकर गए। और आप देखेंगे दोस्तों, उम्र में बहुत कम है और अभी से इनकी संगीत के क्षेत्र में इतनी ऊँची उड़ान है, माशाल्लाह आगे चल के आसमान छुए, ऐसी हम सब की दुआ है आप दोनों के लिए। गौरतलब बात यह है दोस्तों, पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी, मेरे गुरु हैं रोहन सर। जब कनाडा से आए थे तो हमें लगा था 2-3 महीनों के लिए आए हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में थे। सर को मैंने कहा, सर आप लड़की जो ढूंढ तो रहे हैं लेकिन आपके पसंद की, मतलब वैसे पसंद की नहीं, लुक्स में नहीं, लेकिन आपके जो क्षेत्र है संगीत क्षेत्र उससे जुड़ी हुई हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, लोग किसी के जुल्फों में खो जाते हैं, किसी के हसीन चेहरे में खो जाते हैं, ये इनके संगीत में ऐसे खो गए कि कनाडा दोबारा गए ही नहीं और हमारे साथ ही जुड़ गए। तो ये हम सब के लिए खुश नसीबी है कि हमारे गुरु वो बने रहे और हेरम स्कूल में फिर से चालू हो गया हमारी ट्रेनिंग, हमारे सर हैं वो, हमें बहुत अभिमान है इनका। चलिए दोस्तों, अब गीतों के बीच में, गीतों और आप लोगों के बीच में मैं नहीं आऊँगी ज़्यादा। उषा उथुप फिर से एक बार एक अलग अंदाज में मेडली, एक बहुत ही थिरकता हुआ ड्यूएट हार्दिक शुक्ला और मधुरानी पेश करेंगे, जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा।